हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, उनकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपके लिए। सो गाइस, यह कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर रीडिंग में वही आ रहा है जो कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए, गाइडेंस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने किसी से टैरो रीडिंग ली हो आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना आप ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचने लग गए हैं। मैं आपको बता दूं, भले ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, बट ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इनका दिल कह रहा है, इनका दिमाग कह रहा है, इनके अंदर की इनर वॉइस कर रही है कि आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट किया जाए, एक ऐसा शुरुआत किया जाए फिर कभी आप दोनों अलग ना हो एक दूसरे से। ठीक है, इनके इंट्यूशन इनको सही गाइडेंस कर रही है। मैं आपको बता दूं, इनके इंट्यूशन इनको सही गाइडेंस कर रही है, बट आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इतना ये पर्सन आपके बारे में क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी ओर खिंचाव फील कर रहे हैं, क्यों 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 इतना ज़्यादा आप इनके थॉट्स में हो, इनके माइंड में हो हर वक्त। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और गाइस, हो सकता है नहीं, मुझे लग ही रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए लाइफ में। ठीक है, एक तरफ कैरियर, दूसरी तरफ आप, एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ आप, इनके पास ऑप्शन भी हो सकता है आपके अलावा कोई और। तो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना किसी से टैरो रीडिंग ली है, किसी टैरो रीडर से आपके बारे में टैरो रीडिंग ली है। ठीक है, तो इनको अच्छी गाइडेंस मिली है, इनको सही गाइडेंस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। गाइस, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है सेल्फ लव करने के लिए, आपने डिसाइड किया है कि आपको मूव ऑन करना है, आपने डिसाइड किया है कि अब तो मुझे इसे बातचीत खुद से करनी ही नहीं है, ऐसा डिसाइड किया है। तो अच्छी बात है, आपने सही डिसीजन लिया है। ठीक है, अगर आपने सेल्फ लव का डिसीजन लिया है, अपने करियर पर फोकस करने की डिसीजन लिया है, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख सकते हैं कि आपका फोकस कहाँ है और ये पर्सन कैसे आपको चोरी इसी पे देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या कर रही है यार वो, या क्या कर रहे हैं वो, इस तरह का ना ये पर्सन मुझे ना आपको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा लग रहा है इनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है और काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इनको। बट ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको बता रहे हैं, नहीं ये बता रहे हैं कि अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। ये पर्सन ना खुद को ही नहीं जान पाए हैं। ठीक है, इनका जो इंट्यूशन कह रहा है ना, उसको ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ बता रहे हैं, कि ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और आपका टेंशन चाहते हैं, और जो आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, या जो आप इनको, जो आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है, इनको कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उससे। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बता रहे हैं, बट इनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या तो आपका फोकस अपने करियर पर है। ठीक है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, इनको लग रहा है कि अब आपका फोकस ना इन पर नहीं है, अब आपने मूव ऑन कर लिया है, तो इनको इनसिक्योरिटी भी, ये पर्सन इनसिक्योर भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये पर्सन डर भी रहे हैं कि कहीं आप सच में मूव ऑन ना कर जाओ, या कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं ये पर्सन आपको खो ना दे।
किसी से ना गाइडेंस ले रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं, या तो आपका साइन हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या तो आपके। और देखते हैं क्या है इनकी करेंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अपना आपको सनशाइन मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, आप ना इनसे भी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, लविंग हो, कैरिंग हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आप बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। और आप एक खजाना हो, ठीक है, इनके लिए खजाना हो। बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या क्या चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हुए भी ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन नहीं हो रही आप दोनों के बीच। जो ये पर्सन इनके दिल में चल रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहे हैं आपके लिए, ये नहीं बता रहे हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपके अलावा इनके लाइफ में कोई और है तो उनको और आपका कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये आपको। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय, लव यू ऑल।